हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, केम छो, मजा माँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नई तरंग, एक नई उमंग के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ एक ब्यूटी टिप। तो फ्रेंड्स, मैं बालों के लिए लेके आई हूँ, बालों के लिए मैं लेके आई हूँ चुकंदर। और आप मेहंदी में चुकंदर मिला के लगाइए, आपको बहुत अच्छा बरगंडी कलर मिलेगा। तो मैं ये लगाती हूँ क्योंकि मेरे को लगाना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही मैं शेयर कर लूँ। तो मैं बरगंडी कलर करने के लिए अपने हेयर को ये वाली मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, नेहा हर्बल मेहंदी है ये। तो आप ये वाली मेहंदी लेना, बहुत अच्छी मेहंदी होती है, बहुत अच्छा कलर देती है ये बालों को हमारे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये लेना है, इसमें एलोवेरा भी होता है और ग्रीन टी भी होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेना है। आपको मेहंदी अपने बालों के अकॉर्डिंग लेनी है, अगर जितने आपके बालों के लिए यूज हो उतना ही आपको पेस्ट बनाना है। तो मैंने मेहंदी ले ली है। फ्रेंड्स, मैंने एक चुकंदर लिया था, चुकंदर को मैंने छोटे छोटे पीस करके उसको पीस लिया है मिक्सर में, अच्छे से एक लिक्विड फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है। तो आपको भी इसी तरह करना है, ये देखो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। बहुत से लोग इसको पानी में उबालते भी हैं, लेकिन मैंने उबाला नहीं है क्योंकि जो इसका नेचुरल कलर होता है वो अच्छा नहीं आता है फिर उबालने से। तो मैं इसको वैसे ही पीस के अच्छे से इसको मिलाऊंगी ताकि जो हमको बरगंडी कलर चाहिए बालों में वो नेचुरल आए। आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। ये बहुत अच्छा कलर देता है फ्रेंड, मैं बहुत यूज करती हूँ ये। इसको आपको आराम से हल्के हाथों से मिलाना है, और ना ही आपको ज़्यादा गाढ़ा इसका पेस्ट रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि अगर आप पतला रखोगे तो वो बहता है, जो अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से मिला लेना है इसको। इसको इतने अच्छे तरीके से मिलाना है, जो इसमें लम्स रहते हैं वो ना रहे इसमें। ये आप देखोगे, एक तो मेहंदी बहुत अच्छा कलर देती है, और अगर आप इसमें ये चुकंदर का पेस्ट अच्छे से मिलाओगे, चुकंदर का एक नेचुरल कलर रहता है जो बहुत ही अच्छा रहता है। चुकंदर हमारे ब्लड के लिए भी अच्छा रहता है, अगर हम चुकंदर खाते हैं, अगर हम दिन में एक चुकंदर खा लेते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, हमारा खून को बढ़ाता है, वो अच्छा ब्लड बनाता है हमारे शरीर में। चुकंदर खाने से स्किन भी हमारी अच्छी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला लिया है इसको, मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर लूँगी। चुकंदर खाने से हमारे जो लिप्स होते हैं वो भी पिंक होते हैं, बहुत ही अच्छा कलर हमको मिलता है इससे, क्योंकि ये बहुत नेचुरल कलर है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मिला लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इसको पूरी रात आपको कवर करके रखना है, और आपको इसको फिर सुबह लगाना है, अपने बालों में अप्लाई करना है बहुत अच्छे से। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बालों में मेहंदी कलर कुछ भी लगाते हो तो अपने फोर हेड पे वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेना है इस अपने यहाँ पर, ताकि आपका जो भी कलर हो, जो भी मेहंदी हो, वो आपके फेस पे बिल्कुल भी ना लगे। और इसको आप पूरी रात इसको ढक के रखने से क्या होता है फ्रेंड, जो इसमें बचे कुचे लम्स रह जाते हैं वो भी अच्छे से मिल जाते हैं, और दूसरा ये अपना कलर छोड़ता है रात में, मेहंदी का जो अच्छा कलर होता है वो भी बहुत अच्छा कलर इसमें आ जाता है रात भर रखने से। तो आप जब अपने बालों पे लगाओगे तो बहुत ही आपको बहुत नेचुरल कलर मिलेगा इसमें।
अभी मिलाने से इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा, देखो बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। तो बस आपको क्या करना है, रात भर इसको रख दो और फिर आप अपने बालों में लगाओ और आप देखो, आप 2-3 घंटे तक इसको रखो अपने बालों में, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2-3 घंटे में बहुत अच्छा आपको कलर दे देगा। और आप इसे महीने में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, बहुत अच्छा अगर आपको कलर चाहिए तो। मैं महीने में बस 2 बार लगाती हूँ, तो आप जैसा आपको सही लगे वैसा, अगर ज़्यादा अच्छा कलर आपको हो, ज़्यादा रेड कलर चाहिए, तो आप इसको 3 बार लगा सकते हैं महीने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको रात भर रखूँगी, फिर मैं इसको सुबह लगाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कलर मेरे बालों में आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा मुझे करने के लिए उत्साहित करता है। तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। बाय फ्रेंड्स।